मसील नमक हराम अपने अख्ताम को पहुंचने ही वाला है। आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि अमन कुरैशी ने जो भी किया उसे अपनी केकी सजा मिल जाएगी और मुरीद उसका गिरबान पकड़ कर उससे कहेगा कि तुम्हें मेरी माँ की चीखों की आवाज़ आ रही है या नहीं। फिर अमीन कुरैशी कहेगा कि नहीं, फिर वो फौरन अमीन कुरैशी को जान से ही मार डालेगा और दूसरे वो ये सब करने के बाद अस्मा के पास आएगा, उससे बात करेगा, उससे कहेगा कि जो वो चाहता था अब मंजिल उसने हासिल कर ही ली है। उसकी अस्मा को ये बात तो पता चल जाती है कि मुरीद उसे पसंद करने लगा है, इसलिए वो मुरीद से सवाल करती है कि आखिर उसने फिर उसे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। फिर मुरीद कहता है क्योंकि मैं जानता था कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। फिर अस्मा भी हंसने लग जाती है और फिर कहती है कि किसने कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे पहले तुम अच्छे नहीं लगते थे लेकिन आप अच्छे लगने लगे हो। जब मुरीद ये बात सुनता है तो मुरीद भी मुस्कुराने लग जाता है और बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ मुरीद ने अमीन कुरैशी को तो मार ही दिया है लेकिन अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, इसीलिए अब अस्मा अपनी माँ के साथ वकील के पास जाती है। फिर वकील अस्मा की माँ से कहता है कि अगर अस्मा ने यह गवाही दे दी कि अमीन कुरैशी ने भी मुरीद पर गोली चलाई थी तो फिर इसी सूरत में मुरीद को बचाया जा सकता है। व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि हाँ अस्मा ये गवाही देगी?